नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्ध कौन से सन में हुआ था और युद्ध का क्या नाम है और किसके किसके मध्य युद्ध हुआ था और उसमें कौन विजय रहा था। दोस्तों इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगा कि कौन किससे युद्ध किया था और कौन से सन में हुआ था। दोस्तों आजकल परीक्षा में कुछ अलग टाइप के युद्ध से संबंधित प्रश्न आने लग गए, उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप एक बार देख लो कि इस प्रकार से प्रश्न आने लग गए। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कौन सा युद्ध सबसे पहले राजस्थान से किया था या फिर आक्रमण जो राजस्थान में सबसे पहले किया था, इन तीनों ऑप्शनों में से वो आपको क्रम से बताना है। जालौर का युद्ध कब हुआ था, चित्तौड़ का आक्रमण कब हुआ था या फिर रणथंभौर का आक्रमण कब हुआ था। आप इन्हें आक्रमण भी बोल सकते हो या फिर युद्ध भी बोल सकते हो। अगर आपको इनकी सन याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। इसमें ए नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 के अंदर, फिर इसमें हुआ था चित्तौड़ का आक्रमण 1303 के अंदर और फिर हुआ था जालौर का आक्रमण 1311 के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे क्रम वाइज, यानी कि सन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। इस वीडियो में मैं क्रम वाइज सभी युद्ध जो राजस्थान की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी युद्धों को सन वाइज सेट करके लाया हूँ, ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े और आप आसानी से याद कर सकते। पूरे युद्ध सन वाइज है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे और लगातार सेकंड युद्ध भी हुआ था। तराइन का सेकंड युद्ध यह 1192 ईस्वी में हुआ था। यह भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहे। अब देखिए दोस्तों इसमें याद करने का तरीका बता देता हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और 1192 में, यानी कि लगातार ये दोनों युद्ध हुए थे। पहले में पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजय रहे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और आगे देखिए रणथंभौर का युद्ध 1301 में, रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था अमीर देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे, यानी कि ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। और आगे है चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध, चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था और रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 में हुआ था। दोस्तों इनको आप याद करने के लिए एक कॉपी में लिख लो और आप इन्हें हर सप्ताह एक बार जरूर देखा करो, ताकि आपको कंटेस्ट याद हो जाए। और आगे देखिए छिवाड़ा का युद्ध, यह 1308 ईस्वी में हुआ था चित्तलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। छिवाड़ा का युद्ध 1308 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पहले जो रणथंभौर का आक्रमण हुआ था उसमें भी विजय रहा था और चित्तौड़गढ़ का प्रथम आक्रमण हुआ था उसमें भी विजय रहा था। और यहाँ पर देखिए छिवाड़ा का युद्ध हुआ था 1308 में, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। अब देखिए दोस्तों इनको जो सन वाइज है वो मैं क्रम से जचा कर लाया हूँ। ये 1308 है, यहाँ पर 1311 है, अभी अपन ने ऊपर देखा था 1301 1303 और इससे ऊपर देखा था 1191 और 1192। तो इन सन वाइज में जचा कर लाया हूँ, आप इन सभी युद्धों को लगातार याद कर लेना। और आगे देखिए दोस्तों जालौर का युद्ध, जालौर का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था। यह किनके मध्य हुआ था, कान्नरदेव सोनगरा व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था जालौर का युद्ध 1311 ईस्वी में। आगे देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों जालौर के युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी ही जीता था। और आगे देखिए खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 एवं 18 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 एवं 18 के मध्य हुआ था, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा विजय रहा था। आगे देखिए बाड़ी का युद्ध,
यह हुआ था 1518 और 19 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य। इसमें भी राणा सांगा विजय रहा था और एक ऊपर गया था खातोली का युद्ध, उसमें भी राणा सांगा ही विजय रहा था और इस युद्ध में भी राणा सांगा ही विजय रहा था। उसमें भी इब्राहिम लोधी था और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोधी था राणा सांगा के सामने, लेकिन इन दोनों ही युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। अब आगे देखिए, गागरोन का युद्ध, यह हुआ था 1519 ईस्वी में राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य। यहाँ पर ध्यान देना, मोहम्मद खिलजी द्वितीय है जो गागरोन का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के सामने, लेकिन इसमें मोहम्मद खिलजी द्वितीय हार गए थे और राणा सांगा की विजय हुई थी। और आगे देखिए, बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 में। 16 फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। यह हुआ था राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की सेना जीत गई थी। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 में। यह किनके मध्य हुआ था? राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य, जिसमें बाबर की सेना जीती थी। और आगे देखिए, यह खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था राणा सांगा व बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, और कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के अंदर, जिसमें बाबर जीत गया था। और आगे देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध, यह हुआ था 1534 और 1535 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए, गुजरात के बहादुर शाह एवं हाड़ा रानी कर्मावती के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह जीत गए थे। और आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध, यह हुआ था 1567 और 1568 के मध्य, और यह युद्ध उदय सिंह और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। चित्तौड़गढ़ का तृतीय युद्ध 1567 और 1568 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? उदय सिंह और अकबर के मध्य, जिसमें अकबर विजय रहा था। और आगे देखिए, गिरी सुमेल या फिर इसका दूसरा नाम है जैतारण का युद्ध, यह हुआ था 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल या फिर जैतारण का युद्ध, यह 1544 में हुआ था। शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, या फिर इसे बोल सकते हो आप जैतारण का युद्ध, 1544 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय रहा था। और आगे देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 में हुआ था। यह महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, जिसमें अकबर जीत गया था। 21 जून 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। और आगे देखिए, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय रहे। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे। और आगे देखिए, मतिरेरी राड का युद्ध, यह हुआ था 1644 ईस्वी में। नागौर के अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुआ था। नागौर के कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर के कौन थे? करण सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें अमर सिंह ने विजय हासिल की थी, जो कि नागौर के थे। मतिरेरी राड कब हुई थी? 1644 में। और आगे देखिए, दोराही का युद्ध, यह 1659 में हुआ था। 1659 में हुआ था दोराही का युद्ध। यह औरंगजेब व तारा सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब विजय रहा था। 1659 में हुआ था दोराही का युद्ध। और आगे देखिए, राजमहल का युद्ध, यह हुआ था 1747 ईस्वी में। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह, यहाँ पर माधो सिंह है, माधो सिंह के साथ मराठे भी थे। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीत गया था। राजमहल का युद्ध किसने जीता था? ईश्वरी सिंह ने। और कब हुआ था? 1747 ईस्वी में। आगे देखिए, बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। इसमें ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य हुआ था बगरू का युद्ध। इसमें माधो सिंह जीता था, यानी कि बगरू का युद्ध किसने जीता था? माधो सिंह ने। और कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। और आगे देखिए, तुंगा का युद्ध, यह हुआ था जुलाई 1787 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में हुआ था तुंगा का युद्ध।
इसमें मराठा महादेवी सिंधिया व प्रताप सिंह कछवा के मध्य हुआ था। 1787 में तुंगा का युद्ध मराठा महादेवी सिंधिया व प्रताप सिंह कछवा के मध्य यह युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। इस युद्ध में प्रताप सिंह कछवा विजय रहे थे। और आगे देखिए तो पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने 1193 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में। और आगे देखिए, रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? इसमें ऑप्शन है 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। जय हिंद।